तो हेलो हेलो वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं खेल रहा हूँ आज फिर से फार्मिंग सिमुलेटर 22। और तुम लोगों को थोड़ा सा चेंज चेंज लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कर दिया है इधर, और मेरा अकाउंट भी ऑलरेडी देख पा रहे हो गाइस, जैसे कि व्हाट मतलब $1 मिलियन हो के रखा है। और मैं इसका कुछ आज करने वाला हूँ काम है, इसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड करने वाला हूँ। और मैंने एक प्यारा सा एंट्रेंस बनाया जिससे जब गाड़ियाँ हम लेके इधर से आएंगे तो इधर से स्वागत करने के लिए देख पा रहे हो एक बढ़िया सा एंट्री इधर से दिया है। और एक एंट्री पॉइंट है जो गाइस जैसे ही देख पा रहे हो इधर से भी एक एंट्री पॉइंट जहाँ पर मैं बहुत सारा डेकोरेशन किया हूँ। तो फिलहाल मेरा आज का जो मेन टारगेट है, मेन जो काम है वो करना है अपग्रेड फार्म को। और क्यों अपग्रेड करना है मैं बताता हूँ। ये जो साइलो है, ये जो हमारा ये साइलो होके रखा है ना गाइस, जो साइलो है ये थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा कैपेसिटी वाला साइलो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो साइलो है मैं इसको हटा दूंगा और इधर एक साइलो मैं एंट्री पॉइंट पर लगा दूंगा। इस साइड को इधर एक साइलो लगा देंगे, ठीक है ना गाइस। साथ ही साथ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले एपिसोड के अंदर, क्योंकि हम करने वाले हैं फुल्ली कस्टमाइज हमारा फार्म, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो मैं तुरंत चलता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को जो जो आज बाय करना है एक एक करके मैं को दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है वो है कि ये वाला हम गैरेज को परचेज करने वाले हैं हमारे गाड़ियों को स्टैंड करवाने के लिए। और कौन सी साइड मतलब इसका ये है पता नहीं चल रहा है मेरे को, ये बैक साइड होगा साइड से, हाँ ये बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है ना इसका। तो फ्रंट साइड हमारा कौन सी साइड रहना, मेरे हिसाब से फ्रंट साइड हमें साइड को रखना चाहिए घुमा के, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे अगर पैसा खर्चे, ठीक है ना गाइस। तो फिलहाल मैं इस चीज को बाद में लगाता हूँ, सबसे पहले जरूरी चीज है हमारा साइलो, जो कि मैं मैक्सिमम वाला साइलो को लगाने वाला हूँ। ये साइलो को मैं नहीं लगाने वाला क्योंकि इतना बड़ा साइलो हमारा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो हम लगाने वाले ये वाला साइलो को जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है और साथ ही साथ काम भी सही से कर लेता है, ठीक है ना। तो इधर बैठा देंगे हमारा साइलो। तो प्लेस करते हैं हमारा पहला टॉप, मतलब जो हमारा काम था हो चुका है जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। मैं थोड़ा सा ऊपर में कैमरा को उठा देता हूँ और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई कितना बड़ा साइलो है ये, भाई बहुत ज्यादा बड़ी साइलो है जो कि इससे तो काफी ज्यादा बड़ी है। तो मैं इस साइलो को भी सेल करने वाला हूँ, काफी कोई जरूरत है तो हम इसको कर देते हैं सेल। तो ये जगह एकदम क्लीन हो चुका है। अभी इधर देख पा रहे हो सारे चिकन का कूप जितना भी हमने लगाया था वो है। इधर हमारा छोटा सा गैरेज है, इधर भी हमारा ये है और ये रहा हमारा सबसे बड़ी वाली साइलो, जहाँ पर साइलो के लिए तो एक अलग ही पोजीशन बन के रेडी हो चुका है गाइस। और साथ ही साथ मैं इधर हमारा गैरेज को भी प्लेस करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं शेल्टर पे और इधर जो हमारा सबसे बड़ी गैरेज था वो है शायद से ये वाला, और यही वाला गैरेज है। और मैं इस गैरेज को थोड़ा सा रोटेट करने वाला हूँ क्योंकि ये जो गैरेज होगा ये थोड़ा सा मेरे को देख के लगाना पड़ेगा अगर, और इससे हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलता रहेगा। देख पा रहे हो $60 हर महीना मिलता रहेगा, हर आवर का मिलता रहेगा। थोड़ा सा टेढ़ चुका है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हमारा साइलो और ये बन चुका है, अभी $4 लाख बन चुका है हमारे पास। थोड़ा सा डेकोरेशन का भी काम मेरे को करना है और ये देख पा रहे हो, अरे भैया झाड़ियों से हट जाओ। और मेरा भाई ये देख पा रहे हो कि भाई इधर दो दो हमारा एक एंट्री पॉइंट बना है इधर, और एक मतलब इधर डालने का है और इधर लेने के लिए है, ठीक है ना साइलो से चीजें। और ये है हमारा भाई साहब खतरनाक भाई, तो जैसे ही देख पा रहे हो बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए एक बोल सकते हो। तो हमने फाइनली हमारा गैरेज भी प्लेस कर दिया है, बहुत बड़ी गैरेज है। और साथ ही साथ मैं इसका फेंसिंग करने वाला, उसके पहले इसको मैं पूरा का पूरा डेकोरेट कर लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। 2000 years later तो फाइनली गाइस तुम्हें मैं गाड़ी दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं तुम्हें गाड़ी से दिखाता हूँ ये जगह कितना खूबसूरत लग रहा है अभी, ठीक है ना। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ भाई, जैसे कि देख पा रहे हो एकदम से लुक चेंज हो गया, मतलब जैसे हमने ये सब लगाया। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें भाई, ये अलग ही लग रहा है देखने में भाई, एकदम अलग। जैसे कि मैं थोड़ा सा
हाइड कर लेता हूँ इस चीज को, देख सकते हो गाइस का पूरा ये है भाई, क्या खूबसूरत नजारा लग रहा है देखने के लिए, देख पा रहे हो गाइस पूरी की तरह से एंट्रेंस बन चुका है, इस साइड पे भी अलग एंट्रेंस बना है जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, और साथ ही साथ साइलो का भी एंट्रेंस हमने बना दिया है, टॉप बना हुआ है बड़ा सा गाड़ी रखने के लिए एक जगह हमने बना लिया है, और भाई इतने सारे काम हमने कर दिया है आज तो मजा आ गया गाइस। फिलहाल मेरे को और एक चीज प्लांट करना है आज के इस वाले एपिसोड के अंदर, जो कि है ग्रीन हाउस, जिसका हम लोग मतलब ग्रीन हाउस के अंदर जो भी सामान वगैरह फसल फैलाने वाले हैं वो अगले, और बी हाउस भी लगाने वाले। आज बहुत देखते हैं बी हाउस का प्राइस कितना है। सारे अभी दो प्रोडक्शन हम करने वाले हैं, 20 पे चलते हैं, 20 पे चलते हैं तो मैक्सिमम वाला हम लगाने वाले हैं गाइस 30,000 का आता है, और प्रोडक्शन पे चलते हैं, ग्रीन हाउस पे चलते हैं गाइस, ग्रीन हाउस में ये वाला प्रोडक्शन हम करने वाले हैं, इसको लगाने वाले हैं पूरी तरीके से, तुरंत जूम आउट करते हैं और तुरंत चलते हैं गाइस, क्योंकि हम A few moments later. ये देख पा रहे हो मैंने एक इनविजिबल सी दीवार तैयार किया है इधर से, जो कि लगेगा दीवार है लेकिन दीवार है नहीं, देखने में अच्छा खासा लगेगा, वॉल जैसा लग रहा है देखेंगे, देख पा रहे हो, और हम जा भी सकते हैं इसके आर पार, और इसमें पानी वगैरह भी दे सकते हैं ग्रीन हाउस में। और अभी हमारा जो मेन काम बचा होके रखा है वो है हनी, मतलब जो हमारा बीस है उसका घर बनाना, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर का सीन कुछ है कि मैं ग्रीन हाउस ओपन कर लेता हूँ, जैसे ही देख पा रहे हो ग्रीन हाउस ओपन हो चुका है, और मैं इधर मैं बताता हूँ मैं तुम्हें कैसे एक्सेस करता है इसको, पता नहीं। ओ हो हो इधर से हम एक्टिव कर सकते हैं शायद से, आठ टू प्रेस करते हैं। ओ भाई साहब देखो जितना भी हमने लगाया था इधर सारे के सारे आ चुका है, और साथ ही साथ कौन सा फसल उगने वाला है वो भी दिखा रहा है, लोटस और बाकी सारे चीजें। A few moments later. Finally, हम इस वाले जगह पे ये भी लगा चुके हैं, एक मधुमक्खी की जो हाउस है इससे हमें हनी मिलेगा, इधर आएगा, और ये पूरा का पूरा मैप में एक ही फार्म पे एक ही ये बैठेगा, ठीक है ना। पता नहीं भाई एक फार्म पे मतलब क्या, मतलब इस वाले पोजीशन में एक बैठेगा दूसरा फार्म में दूसरा बैठेगा, पता नहीं क्या सीन है इसका, मेरे को इसका ट्यूटोरियल गाइड वगैरह देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरे को खुद ही नहीं पता, ठीक है ना, इसको कैसे मल्टीपल लगा पाते हैं, मैं देख के फिर लगाऊंगा तो कोई बात नहीं है। फाइनली इस वाले फार्म को तो भाई क्या ही नजारा आ रहा है भाई। तो फाइनली गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम ये जो हमने बनाया है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस से कैसे पैसे कमाते हैं, ठीक है ना भाई। फिलहाल मैं चलता हूँ इस साइलो के सामने, मैं लगाऊंगा दिखाता हूँ भाई कितना बड़ी साइलो बन चुका है गाइस। तो गाइस चैनल में जो भी नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लोगों को मिलता रहेगा, और आगे हम इस फार्मिंग सिमुलेटर के अंदर बहुत सारे करने वाले हैं और ज्यादा, तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ गाइस, बाय बाय।